फ्रेंड्स, मेरा नाम है आरती। आज मैं आपके लिए कैविया टेक्नोलॉजी के अंदर एक नया प्रोजेक्टर लेके आई हूँ, जिसके बारे में आपके सामने मैं अनबॉक्सिंग करूंगी और इसकी स्पेसिफिकेशन और वीडियो क्वालिटी के बारे में इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगी। तो ये हमारा जो प्रोजेक्टर है, ये टोनजो ब्रांड का मूवी बॉक्स 13 मॉडल है और काफी अच्छी इसकी क्वालिटी और फीचर्स होने वाले हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगी कि क्या क्या इसके फीचर्स है, क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है इसकी। मैं सारी चीजें मैं आपको लाइव इसके वीडियो में दिखाने वाली हूँ। मैम, अगर हमें प्रोजेक्टर परचेज करना है तो हम कहाँ से कर सकते हैं? जी, हमारी जो वेबसाइट है वो trendinggadget.tech वेबसाइट है। यहाँ पर आकर आप हमारी वेबसाइट पे सारे प्रोडक्ट देख सकते हैं, सारे प्रोजेक्टर को काफी अच्छे बेस्ट प्राइस में बाय भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये प्रोजेक्टर फिजिकली यहाँ पर आकर देखना है तो हमारा जो वेयर हाउस है दिल्ली ओखला फेस टू नियर बाय गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास है। E47/5 सेकेंड फ्लोर पे हमारा ऑफिस है। यहाँ पर आकर प्रोजेक्टर का लाइव डेमो आप हमारे वेयर हाउस में देख सकते हैं और प्रोजेक्टर को अच्छे प्राइस में बाय कर सकते हैं। तो आपके पास वैसे ये मॉडल अवेलेबल होता है? हमारे पास टोनजो ब्रांड हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है और ऑन ब्रांड के हम ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है ऑल ओवर इंडिया में। तो सारे ही प्रोजेक्टर के ब्रांड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जो दोनों ब्रांड है उन सारे ब्रांड के सारे प्रोजेक्टर हमारे पास अवेलेबल होते हैं और काफी अच्छे बेस्ट प्राइस में आपको हमारी वेबसाइट से प्रोजेक्टर मिल जाते हैं। तो इसकी आपके सामने मैं अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ और इसके बारे में आपको बताऊंगी कि क्या क्या इसमें फीचर्स पोर्ट्स वगैरह दिए गए हैं। तो गाइस, फटाफट से स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग। बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं ये जो प्रोजेक्टर का बॉक्स है इस तरीके से दिखने वाला, व्हाइट कलर का प्रॉपर बॉक्स होगा, इस तरीके से प्रिंट होगा मूवी बॉक्स 13 का प्रोजेक्टर। तो इसकी जो प्रोजेक्टर की जो क्वालिटी है काफी शानदार होने वाली है। इस तरीके का बॉक्स होगा, इसमें आपको एक एसेसरीज का किट बॉक्स दिया गया है। इसमें आप देख पा रहे हैं कितनी सारी एसेसरीज आपको प्रोजेक्टर को कंट्रोल करने के लिए दी जा रही है। फर्स्टली आपका पावर केबल है, सेकंड आपको HDMI केबल दी जा रही है काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ, थर्ड आपका आप रिमोट कंट्रोल दिया जा रहा है जिससे आप प्रोजेक्टर को प्रॉपरली कंट्रोल कर सकते हैं। एंड और ये प्रोजेक्टर आपका प्रॉपर 3D भी होने वाला है, ब्लू एंड रेड 3D वीडियो भी आपका ये प्रोजेक्टर सपोर्ट करेगा। और ये आपका हो गया सेटअप बॉक्स के लिए केबल, और ये आपका हो गया यूजर मैनुअल। अगर आपको प्रोजेक्टर को यूज करने में कोई भी इशू आ रहा है तो आप इस मैनुअल से पूरी गाइडेंस ले सकते हैं। तो ये हमारा प्रॉपरली एसेसरीज बॉक्स हो गया है। तो अभी हम प्रोजेक्टर की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। ये देखिए हमारा प्रोजेक्टर है मूवी बॉक्स 13। इसमें काफी अच्छी पैकिंग के साथ ये प्रोजेक्टर आपको दिया जाएगा, जिससे आपको ट्रांजेक्शन में अगर आप कैश ऑन डिलीवरी या ऑनलाइन प्रोजेक्टर मंगवाते भी हैं तो आपको इन ट्रांजेक्शन में कोई भी इशू नहीं होगा प्रोजेक्टर से रिलेटेड। देखिए काफी अच्छा शानदार सा क्वालिटी के साथ और फीचर्स और कलर्स इसमें आपको दिए गए हैं। ये देखिए, ये मैंने प्रोजेक्टर को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अनबॉक्स कर दिया है। यहाँ पे देखो प्रोजेक्टर की जो क्वालिटी है एंड कॉम्पैक्ट सा प्रोजेक्टर है, काफ़ी अच्छा इसका बेहतरीन सा शानदार लुक दिया गया है और ये मूवी पर्पज़ के लिए काफ़ी अच्छा प्रोजेक्टर है। इसी वजह से इसका जो नाम आपका रखा गया है मूवी बॉक्स 13 मॉडल रखा गया है। इसमें आपको फ्रंट पे देखिए हमारा प्रॉपरली टोनजो ब्रांड है, टोनजो का यहाँ पे लोगो वगैरह आपको मिलेगा। एंड ये आईआर ब्लास्टर फ्रंट पे दिया गया है, ये भी आपको काफ़ी शानदार से लुक आपको सामने से दे रहा है। और ये आपका प्रोजेक्टर का लेंस कवर है, लेंस की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और ये है आप पे आपका एडजस्टमेंट स्क्रू है, अगर आपको प्रोजेक्टर को नॉर्मली टेबल वगैरह पे रख के भी यूज़ करना है तो आप इस तरीके से प्रोजेक्टर को काफ़ी शानदार सा लुक यहाँ पे दे सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छी क्वालिटी प्रोजेक्टर की आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। मैम, इसकी स्पेसिफिकेशंस बता दीजिए एक बारी। जी, अभी मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। तो एक बेनिफिट इसमें और दिया गया है कि अगर प्रोजेक्टर में आपका कोई डस्ट वगैरह का इशू है तो आपको डायरेक्ट शॉप पे आने की जरूरत नहीं है, आप गाइडेंस लेके टेक्नीशियन से गाइड करके आप यहाँ से घर बैठे भी अपना जो एयर फिल्टर है वो आप क्लीन कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए, आप यहाँ पे थोड़ा सा पुशअप करेंगे तो आपको यहाँ पे एयर फिल्टर देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से आप अपने प्रोजेक्टर को डस्ट से कर सकते हैं। तो इसकी स्पेसिफिकेशन मैं आपको बताती हूँ, इसमें जो लूमेंस होगा वो आपका 7500 लूमेंस होगा एंड 5000 का इसका कॉन्ट्रास्ट इशू होगा। इसकी जो पिक्चर की क्वालिटी होगी प्रॉपर फुल HD होगी एंड HDMI से अगर आप इस प्रोजेक्टर को कनेक्ट करेंगे तो आपका ये प्रोजेक्टर 4K कंटेंट भी प्ले करके आपको दिखाएगा। और इसमें आपके जो स्पीकर होंगे काफ़ी अच्छे स्पीकर इसमें दिए गए हैं, तो बिना होम थिएटर बिना ब्लूटूथ स्पीकर के भी आप नॉर्मल रूम में प्रोजेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। तो अलग से आपको एडिशनल स्पीकर कनेक्ट करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है।
तो इसमें आपको जो पोर्ट्स वगैरह दिए गए हैं, आप इसमें फायर स्टिक, नेटफ्लिक्स वगैरह सारी चीजें एम्बेडेड देख सकते हैं। इसमें नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो, प्ले स्टोर वगैरह सारी चीजें आपको इसमें इनबिल्ड मिलने वाली है। और इसमें आप डायरेक्ट वाईफाई प्ले करके भी, प्रोजेक्टर को वायरलेस कनेक्टिविटी करके भी देख सकते हैं। तो इसमें इस तरीके के सारे एप्लीकेशन प्रोजेक्टर बना सकते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हैं हमारे पास जो ये स्क्रीन लगी हुई है वो 150 इंच की स्क्रीन है। आप इससे डबल साइज के प्रोजेक्टर को प्ले कर सकते हैं और वो भी काफी अच्छी 4K क्वालिटी के साथ में। और इसमें आपको जो कॉन्ट्रास्ट इश्यू की वजह से इसकी जो पिक्चर की शार्पनेस है काफी बेस्ट हो जाती है। आप पिक्चर की क्वालिटी लाइव देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा प्रोजेक्टर की जो क्वालिटी है वो कितनी शानदार है। और इसमें आपको जो 3D कंटेंट के लिए जो ये ग्लासेस दिए गए हैं, इनकी भी 3D वीडियो भी मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगी कि 3D कंटेंट का जो क्वालिटी है वो किस तरीके की आपको इस प्रोजेक्टर में देखने को मिलती है। और इसमें आपको पिक्चर जूमिंग का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपके पास डिस्टेंस का इशू है तो आप अपने प्रोजेक्टर को दूर रख के भी कंट्रोल कर सकते हैं कि आप स्क्रीन को छोटा कर सके। और इसमें दोनों ही तरीके के रेशियो आपको देखने को मिलते हैं, 16:9 और 4:3। इस प्रोजेक्टर को दोनों ही तरीके से आप इसे प्ले कर सकते हैं। अगर आपने स्टडी क्लासेस के लिए प्रोजेक्टर को यूज करना है तो आप 4:3 में चलाइए। अगर आपको सिनेमा पर्पस के लिए चलाना है तो आप 16:9 में चलाइए। तो दोनों ही तरीके से आपको ये प्रोजेक्टर सपोर्ट करेगा। आपको कहीं पर भी कोई भी अलग से सेटिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। सारे ऑप्शन इसमें हॉरिजॉन्टल, कीस्टोन, करेक्शन, सारी चीजें आपको इस प्रोजेक्टर के अंदर देखने को मिल जाती है। बात करें मैम वारंटी की, तो कितने टाइम की वारंटी इसके साथ मिलने वाली है? इस प्रोजेक्टर में आपको जो वारंटी मिलेगी 1 ईयर प्रॉपर वारंटी मिलती है। आफ्टर 1 ईयर भी आपको पूरा टेक्निकल सपोर्ट हमारे वेयर हाउस से मिलेगा। इन फ्यूचर कोई भी टेक्निकल हार्डवेयर रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो हमारे वेयर हाउस में ही आपको प्रोजेक्टर की सारी सर्विस मिलती है। तो आपको थर्ड पार्टी की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, सारा कंपनी का सपोर्ट हमारी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। बात करें मैम लैंप लाइफ की, तो लैंप लाइफ कितनी रहती है इसकी? बिल्कुल, इस प्रोजेक्टर की जो लैंप लाइफ होगी वो 50,000 घंटे लैंप लाइफ होती है। मतलब कि आप दिन में 7-8 घंटे भी इस प्रोजेक्टर को परमानेंट चलाते हैं तो भी आपका इस प्रोजेक्टर में कोई भी इश्यू नहीं होगा। आप 7-8 साल आराम से इस प्रोजेक्टर को कंटिन्यू यूज कर सकते हैं। तो आइए हम इसका लाइव डेमो आपको दिखाते हैं, किस तरीके का इसकी पिक्चर क्वालिटी होगी वो हम आपको लाइव दिखाते हैं। हाँ जी, सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे हमने जो है प्रोजेक्टर को प्रॉपर प्लग इन कर लिया है। तो मैम अभी हमने इसमें क्या क्या प्लग इन कर रखा है? अभी हमने इसमें नॉर्मली फायर स्टिक लगाई हुई है। फायर स्टिक से मैं इसका डेमो आपको दूंगी, इसमें 3D वीडियो और फुल HD वीडियो भी आपको चला के दिखाऊंगी कि पिक्चर की जो क्वालिटी है वो कैसी रहने वाली है। ठीक है, सो फटाफट से गाइस सबसे पहले तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन है, लाइट बंद कर देते हैं, उसके बाद आपको एक्चुअल क्वालिटी यहाँ पे पता चल जाएगी। अभी हमने जो है इसकी प्रोजेक्शन सेटिंग्स खोल रखी है। यहाँ पे देख सकते हो सेटिंग्स में आके पर आपको डायरेक्टली वाईफाई, ब्लूटूथ सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। ये देख सकते हो, ये ऐसे सब कर सकते हो आप, कीस्टोन वगैरह साइड में, फ्रंट में मैनुअल कीस्टोन भी आप यहाँ से कर सकते हो, जैसा कि मैम आपको करके दिखा रही है, देख सकते हो जी। इसमें आपका 45 डिग्री तक मैनुअली कीस्टोन कनेक्शन है। पिक्चर आपका डिजिटल जूम भी है इसमें। अगर आपका डिस्टेंस का इशू है तो आप डिजिटल जूम भी आप कर सकते हैं, मिनिमम 50-100 inches तक। तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे पिक्चर को जूम आउट किया जा रहा है, देख लो छोटा बड़ा। गाइस आप मिंट से पहले कर सकते हो, आपके हैंड में रिमोट होगा, बिल्कुल ये देख सकते हो। और भी काफी सारी सेटिंग्स इसमें आपको मिल जाएगी, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो आके। बाकी सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने जो है फायर टीवी स्टिक को स्टार्ट कर दिया। अभी हम फिलहाल इसमें यूट्यूब चला रहे हैं। पहले मैं आपको गाइस साउंड क्वालिटी टेस्ट करा दूँ, उसके बाद मैं आपको इसमें वीडियो क्वालिटी भी हम टेस्ट करवा देंगे। ये देख सकते हो सबसे पहले हम एक सॉन्ग प्ले कर लेते हैं, जो भी NCS होता है, क्योंकि हम गाइस नॉर्मल सॉन्ग्स प्ले नहीं करके दिखा सकते आपको इस वीडियो में। तो मैम अभी यहाँ पे हमें एक NCS प्ले करके दिखा रही हैं, ये लीजिए। तो इस प्रोजेक्टर में आपको कोई भी साउंड कनेक्टिविटी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्टर का साउंड भी काफी बेस्ट आपको मिल जाएगा। ये देख लो ऐसे कुछ आपको पहले तो ऐड मिल जाएंगे। ठीक है जी, अब आ रही है साउंड। साउंड हमने फुल कर रखी है, मैक्सिमम कर रखी है। और ये गाइस ये इसके प्रोजेक्टर के डायनामिक स्पीकर्स हैं, चेक करो। तो गाइस ऐसे कुछ इसकी जो है साउंड क्वालिटी रहने वाली है। अब आपने देख लिया कितनी जबरदस्त इसकी क्वालिटी रहने वाली है।
अभी हम एक वीडियो प्ले कर देते हैं आपके लिए, देख सकते हो ऐसी कुछ इसकी गाइस वीडियो क्वालिटी रहने वाली है, 4K वीडियो रहने वाली है। पास से आप देख सकते हो बिल्कुल एक एक पिक्सल जो है मैम क्लियरिटी से दिख रहे हैं। बिल्कुल आपका ये फुल HD 4K प्रोजेक्टर भी आप इसमें क्वालिटी सपोर्ट करता है, तो आप पिक्चर की क्वालिटी देख पा रहे हो कितनी शानदार, और कलर की जो बात ही अलग है, आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे इसमें कलर आपको देखने को। तो मैम अभी ये कितने इंचेस की स्क्रीन बना के दे रहा है, कितने डिस्टेंस पे? ये आपका 10 फीट की दूरी पे कम से कम आपका 150 इंचेस की स्क्रीन आपको बना के दिखा रहा है। आप देख पा रहे हैं, मैं आपको सामने यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये आपका डिस्टेंस है 150 इंचेस की स्क्रीन आपको 10 फीट की दूरी पे आपको बना के दे रहा है। तो अगर आपको ये प्रोजेक्ट परचेस करेंगे तो आपको घर बैठे पूरा प्रॉपरली 300 इंचेस का सिनेमा हॉल आपको मिल जाएगा, तो आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे कितनी ज्यादा बढ़िया क्वालिटी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। और बाकी अगर आपके पास स्क्रीन नहीं है आप स्क्रीन परचेज कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन भी यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी मैम कैबी टेक्नोलॉजीज पे। बिल्कुल स्क्रीन वगैरह सारी चीजें आपको, प्रोजेक्टर से रिलेटेड सारे सामान आपको हमारे वेयरहाउस में मिल जाएंगे। और बाकी गाइस अगर आपको व्हाइट स्क्रीन पे भी चला रहे हैं ना, तो यहाँ पे व्हाइट वॉल पे भी आप देख सकते हो, व्हाइट वॉल पे भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। आपको बस फोकस अपना सेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस। ये देख लो ये व्हाइट वॉल है, ठीक है ना, ये सीलिंग हुई हुई है, उसके ऊपर भी क्लैरिटी आप चेकआउट कर लो। तो अगर आपके पास व्हाइट वॉल है तो आपको स्क्रीन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कहीं पर भी लगाने की, ठीक है। तो अभी मैंने प्रोजेक्टर के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी है, प्रोजेक्टर की वीडियो दिखा दी है आपको। तो अगर आपको ये प्रोजेक्टर बाय करना है तो हमारी trendingedge.tech वेबसाइट है, यहाँ पर आके प्रोजेक्टर को बाय कीजिए बेस्ट प्राइस में। और अगर आप प्रोजेक्टर का लाइव डेमो देखना चाहते हैं तो दिल्ली ओखला फेज 2 नियर बाय गोविंदपुरी फेज 2 में हमारा ऑफिस है, ये 47/5 पे, यहाँ पे आके प्रोजेक्ट को बाय कर सकते हैं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंपनी के कुछ कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिए गए हैं, अगर प्रोजेक्टर की आपको कोई भी जानकारी लेनी है या ऐसी वीडियो और भी देखनी है तो आप लाइक एंड कमेंट्स में हमें बताइएगा प्रोजेक्टर के कौन सी वीडियो की जानकारी लेनी है, क्या डाउट है कोई सी, तो आप वहाँ पे उन नंबर पर कॉन्टेक्ट करके प्रॉपर जानकारी ले सकते हैं। और हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कंटिन्यू करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।